नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं रणछोड़ नगर में और यहां के चौक और चौराहों पर सभी से हम जानेंगे कि चुनाव पर इनकी क्या राय है। केम छो गुजरात, इनसे हम पूछेंगे कि इस बार चुनाव आने में सिर्फ 2 ही महीने बाकी हैं और इसी में नेताओं का काफ़ी ज़्यादा आना जाना हो रहा है। अभी कुछ दिन बाद आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, तो उसको लेकर यहाँ पर राजनीतिक क्या गरमाई हुई है यहाँ की जनता से पूछते हैं। तो केम छो मजा मा। तो पहले आप अपना नाम बताइए कि क्या है। हमारा नाम पंचदेव सिंह है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं इसी एरिया में, तो क्या तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ बहुत बढ़िया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे आंगन में आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत ज़ोरदार तैयारियाँ हैं। ढोल नगाड़े के साथ हम लोग जाएंगे सभी लोग अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। जैसे कि हम लोकल पीपल ऐसा बोल रही है आम जनता कि जैसे मोदी जी आ रहे हैं तभी वहाँ की चीज़ों की लिपाई पोताई बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है, तो ये कितना परसेंट सही है? ये तो क्या है, जिसकी नज़र जैसी होती है, लेकिन हम लोग को लगता है लगातार यहाँ की सूरत की सरकार या महानगर पालिका काम करती रहती है। आज कहा जाता है पूरे सूरत शहर में पूरा भारत बसा हुआ है, अगर कुछ काम नहीं होता तो कैसे लोग बसते, शहर छोड़ देते। काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बाकी नज़र की बात है। आपकी नज़र में अंधेरा है तो जीवन अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन बहुत बढ़िया शहर है, बढ़िया विकास है और मोदी जी के आने सिर्फ रंगाई चल रही है। काम तो बहुत पहले सब कुछ हो चुका है, उसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दुख रहा है, वो तो हमेशा दुखने वाला है। तो इस बार चुनाव में आपका वोट किनको जाएगा? जिसको हमेशा जाता है, बीजेपी। बीजेपी जैसे बीजेपी का यहाँ पर हमने सर्वे किया तो बीजेपी का ज़्यादा से ज़्यादा वोट जा रहा है, तो हमें उनके कुछ काम तो गिनाइए कि इस बार उनको फिर दोबारा आप लाना चाहते हैं। सारा काम अच्छा है बीजेपी का, इसलिए बीजेपी आएगी। जैसे कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि पेपर लीक के मामले गुजरात में बहुत आ रहे हैं, करप्शन है तो वो सब हटा देंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो ये कितना परसेंट तक सही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहे हैं? वो केजरीवाल तो क्या दिल्ली सरकार दारू के बल पर चला रहे हैं, इसलिए क्या वो बस का भाड़ा फ्री करना, लाइट बिल फ्री करना, पानी फ्री करना, इसे तो कोई मतलब नहीं करता नहीं है। दारू बेच के, अवैध बेच के वो अपना काम चला रहे हैं, वैसा गुजरात में उनका नहीं चलेगा, गुजरात में उनका चलने वाला नहीं है। यहाँ बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत से। आप किसे वोट देंगे? बीजेपी। यहाँ पर एक और सवाल ये है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो ऐसा कह रही हैं कि वोट तो बीजेपी को देंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा परेशान है, वहाँ उनके घर में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा महंगाई है, तो इस पर क्या कहेंगे? देना उन्हीं को है लेकिन परेशानियाँ भी बहुत है भाई। मोदी जी सबके घर घर आके तो करेंगे नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, आम जनता अपना काम करेगी। वो धंधा दे रहे हैं, उन सबकी प्रकार की सुविधाएँ भी दे रहे हैं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, घर पे तो कोई देने आएगा नहीं। तो इस प्रकार मोदी जी की जो सुविधाएं हैं, अगर आप जाओगे जैसे कहीं भी सेंटर लगते हैं वहाँ पे कार्ड बनते हैं या राशन कार्ड के जो भी बनते हैं, वो सुविधा सबको मिल रही है घर घर, लेकिन जिसको लेना है वो लेगा, जिसको घर पे चाहिए, घर पे कोई किसी को देने नहीं आता है। बाकी का बीजेपी का काम बहुत बढ़िया है और अच्छी जोर तोर से चल रहा है, यहाँ तो बीजेपी ही आएगी। तो दिल्ली का मॉडल कितना हद तक सही है शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, जो यहाँ सही नहीं है उसे दोबारा लाना चाहते हैं? भाई हम गुजरात में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, सूरत का मॉडल जानते हैं, दिल्ली तो हम कभी गए नहीं, दिल्ली में क्या है क्या कर रहे हैं वो केजरीवाल जाने, लेकिन वो आम जनता यहाँ रह रही है, यहाँ का बिजनेस देखेगी, यहाँ का धंधा देखेगी, दिल्ली से उसको कोई मतलब नहीं। और दिल्ली में किया क्या है उन्होंने अभी तक, कितना शिक्षा खूब अच्छी है भाई, होगी लेकिन हमारी नज़र में तो नहीं है। जैसे वो कह रहे वो शिक्षा सीना ठोक के इसलिए कह रहे हैं वहाँ की शिक्षा इतनी अच्छी, वहाँ की सरकारी स्कूल इसलिए अच्छी क्योंकि विदेश से सब लोग दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब इस पर क्या कहेंगे भाई, हमने तो देखा नहीं कितने लोग विदेश से आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है आ रहे हैं तो आ रहे होंगे, हम तो गुजरात में हमारी जितनी स्वच्छ सुंदर सूरत और हमारी गुजरात का पूरे उधर नाम है कि भाई सूरत तो सूरत है, तो दिल्ली का भाई वो जाने, हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ के बखान करेंगे। तो इस बार आप किसे वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी युवाओं के लिए बीजेपी ने क्या किया है सूरत में? युवाओं के लिए हर क्षेत्र में किया है, चाहे खेल कूद हो, कुछ भी हो, नौकरी धंधे के बारे में हो, हर क्षेत्र में युवाओं के लिए किया है बीजेपी ने। आप क्या नौकरी करते हैं? मेरा बिजनेस है यहाँ सूरत में, कई सालों से मैं बिजनेस चला रहा हूँ सूरत में। तो जैसे कि यहाँ पर मोदी पहले तो GST आया, तो GST में ऐसा कहा गया कि खाने पीने की चीज़ों पर GST नहीं लगेगी,
मूलभूत आवश्यकताओं पर, दूध दही छाछ सब पे लग गई, तो ये कितना हमारे बजट पे बहुत असर कर रहा है, तो आने वाली सरकार से क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ है नहीं कि GST दूध दूध पे लगा है, खाने पीने चीज़ों पे लगी है, खाने पीने की चीज़ों पे लगी है, वो तो पहले भी सब पे टैक्स था ही है, जो पैकिंग चीज़ है उन पे तो GST पहले से है ही है। आम आदमी को तो लोकल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो उस पे कोई GST नहीं है। GST बड़ी बड़ी कंपनियां लोग जो खोल के कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा है, बस हवा पे लग रही है, हवा हवा भर के जो बेचते हैं उस पे GST लगती है। आम आदमी जो अपना दूध यहाँ से लो, को भी खेती बाड़ी के किसान से राशन लो, तो नहीं लगती जी, मतलब कि दूध दही गौशाला से आके लो, पैकिंग चीज़ों तो। मैडम ऐसा है कि अगर हम एक अच्छा देश चाहते हैं तो GST क्या है? GST कोई मोदी जी अपना घर नहीं भर रहे हैं, GST देने सरकार को हम सहयोग कर रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मैं 100 रुपये के सामान खरीदने के लायक हूँ तो 5 रुपये GST नहीं दे सकते हैं, 10 रुपये नहीं दे सकते हैं। एक महान देश बनाना है तो थोड़ा तो हमें भी तो त्याग करना पड़ेगा ना, बिना त्याग के तो होता नहीं है। और क्या दिल्ली में नहीं चल रहा है? केजरीवाल जी सब कुछ फ्री कर दिए हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हर देश जहाँ भी है अगर हम थोड़ा सा त्याग करेंगे तो ये हमारा देश महान हो पाएगा, और भारत को तो विश्व गुरु बनाना है तो पूरे देशवासियों को थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, इस बार मोदी जी को वोट देना है। जैसे कि केजरीवाल का मेन टारगेट जो है, जो हम उनका इस भाषण सुनते हैं, तो वो मध्यम क्लास के लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सूरत और गुजरात शहर में सबसे ज़्यादा प्रवासी यहाँ पर आते हैं कमाने खाने और रहने के लिए, तो उनका वो इसी को टारगेट करके 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, तो ये कितने हद तक गुजरात के लोग उन्हें एक बार मौका देंगे? वो हर बार मौका मांग रहे हैं। मैडम देखिए, केजरीवाल तो किसी सूरत में हम लोग नहीं पसंद करते, पूरे सूरतवासी नहीं पसंद करते हैं। केजरीवाल वही आदमी जिस पार्टी का सांसद, अरे जिस पार्टी का विधायक और कॉपरेटर वहाँ पे इस्लामिक दंगा फैलाया और तमाम हिंदुओं की हत्या करवाया, ऐसे आदमी को शहर में कहीं जगह नहीं है और पूरे राज्य में जगह नहीं है। और देशवासी तो मना ही कर रहे हैं केजरीवाल नहीं चाहिए। केजरीवाल ने काम किया है, कोई केजरीवाल मुख्यमंत्री कहलाने का हकदार भी नहीं है। केजरीवाल तो एक पार्षद के, नहीं कहते ना कि नगर पालिका का अधिकारी है, दिल्ली कुछ है ही नहीं उसके। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है केजरीवाल, केजरीवाल क्या है, एक कहते हैं ना कि मेयर के रूप में काम कर रहा है। काम तो सब भारत सरकार संभाल रही दिल्ली में, केजरीवाल कर क्या रहे हैं दिल्ली के अंदर? अभी जान रही हैं दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, तो काम क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वो सिर्फ देश को सोशल मीडिया या एक बहकाए वाला काम कर रहे हैं और सबको भरमा रहे हैं। केजरीवाल वो आदमी है जो देश की सेना के ऊपर सवाल उठाने वाला आदमी, ऐसे आदमी को हम कैसे वोट दे सकते हैं? केजरीवाल का जो प्रदेश का अध्यक्ष है, इन्होंने हिंदुओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया था, हम कैसे उसे वोट दे सकते हैं? युवा से बात किया तो वो ऐसा प्रश्न उठा रहा है कि हम इस बार आम आदमी पार्टी को इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि जब जब इलेक्शंस आते हैं तो BJP धर्म के नाम पर और दंगे के नाम पर वोट मांगना स्टार्ट कर देती है, तो ये एक युवा का कहना है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? समर्थक लग रहे BJP के तो नहीं, समर्थन बात नहीं, जो काम अच्छा हो रहा है। आज देखिए कहीं ना कहीं भारत बहुत पीछे था, पिछले 10 साल पहले भारत बहुत पीछे था, आज भारत का नाम होता है, विश्व स्तरीय जो बैठकें होती हैं, नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व करते हैं, तो कितना सुंदर लगता है, भारत कितने आगे बढ़ चुका है। और कहीं दंगा का मामला नहीं है, आप 10 साल में देख सकती हैं, 8-9 साल में कि दंगा कहीं हुआ ही नहीं भारत के अंदर, दंगे का माहौल कहीं नहीं है, सिर्फ भरमाया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। और आप देख सकती हैं जो PFI है वो देश में कितना आतंकवाद फैला रही है, लगातार केजरीवाल उनकी पार्टी सहयोग भी कर रही है, ऐसे आदमी को गुजरात में हम कैसे ला सकते हैं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं? अब वो ऐसा कह रहे हैं कि मतलब इस बार वो एक बार उन्हें गुजराती मौका दें, वो काफ़ी मांग भी रहे हैं, और वो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन में जो युवाओं के साथ हो रहा है, पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो भी कुछ इनके लिए करेंगे। तो फिलहाल ये बताइए कि पेपर लीक के मामले में कुछ BJP के लोगों का नाम भी आया, तो इस पर क्या कहेंगे? मैडम ये तो देखिए जाँच का विषय है, कहीं BJP या कोई भी सरकार पेपर लीक ऐसे मामले में सहयोग नहीं करती है। 2-4 लोग हैं, लेकिन 2-4 लोग के नाम पे पूरी BJP गलत नहीं हो सकती है। और जहाँ तक है युवाओं का मामला, आप देख सकती हैं सूरत शहर में एक भी बेरोजगार लोग नहीं है, बल्कि रोजाना ट्रेन भर के 10,000-20,000 लोग सूरत शहर में आते हैं, तो बेरोजगारी सूरत शहर में नहीं है। हाँ, माहौल ख़राब करना, सूरत शहर को बदनाम करना केजरीवाल उनके पार्टी के लोगों का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है, पूरे देश पूरे सूरत के वासी खुश हैं और मोदी जी को लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा, वो किसे जोड़ रहे हैं? वो बकवास है यात्रा, कोई मतलब नहीं, जिसको जहाँ जुड़ना था वो जुड़ा हुआ है, उनके यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और राहुल गांधी से तो कोई जुड़ना नहीं चाहता है।
और कोई जुड़ेगा नहीं, उनका काम है वो अपना कर रहे हैं, जनता का अपना काम करेगी, जहाँ जुड़ना जुड़ा है। ये तो आज के समझ लीजिए 2014 के बाद में मोदी जी ने मिसकाल मारो और जोड़ो का काम किया, आपको मालूम होगा। वो पहले लोग जुड़े हुए हैं, कोई बचा नहीं अभी कांग्रेस से जुड़ने के लिए, वो फोकट अपना दौड़ धूप मचाए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार राहुल गांधी को एक बार मौका देंगे? राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार आज तक जब तक देश में राज करी तब तक भारत को तोड़ने का काम किया है, अब वो क्या जोड़ेंगे? भारत कोई टूटा हुआ बिखरा हुआ है, अभी तो भारत एक है, अखंड भारत देश है, अभी क्या जोड़ेंगे भारत में? भारत जब बिखरा हुआ था, खंडित था, तब तो उन्होंने और राजनीति की, भारत को तोड़ो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। रोजाना कोई ना कोई दंगा फसाद होता था, हर जगह कोई भी लावारिस चीज़ बम होगी लिखी हुई मिलती थी, पूरे देश में इस तरह का आतंक मचा के रखा था। अब कौन सा भारत जोड़ेंगे? भारत तो अभी जुड़ा हुआ है, संपन्न है, समृद्ध है, आगे बढ़ रहा है, हमें अभी कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है, हमारे कार्य हो रहे हैं। जैसे कि तो आप बीजेपी से क्या मांग करते हैं कि वो और अच्छे स्कीम को लेकर आए युवाओं को लेकर, क्योंकि आने वाला जो कल है वो युवाओं का होगा और वो उसे ही आगे बढ़ाना होगा, सूरत शहर को, गुजरात राज्य को। तो देखो, बीजेपी आती है आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बीजेपी आएगी, ये फिक्स है, गुजरात में और कोई पार्टी आ नहीं सकती। बीजेपी जब से आई है निरंतर विकास का ही कार्य किया है, आगे भी वो लोग अपने हिसाब से और विकास का ही वो करेंगे काम। और कोई मांग नहीं कि आए वो और कुछ और अच्छी स्कीम और पॉलिसी लेके आए जो और ज़्यादा विकास हो सके? और कुछ से कुछ बचा ही नहीं मांगने के लिए हमारे पास, जो भी काम होना चाहिए मांगेंगे, ऐसा नहीं जरूरत होगी मांगेंगे, हम अपना आवेदन देते हैं, हमको देश के लिए क्या चाहिए, हम अपने लिए नहीं मांगेंगे, देश के लिए मांगेंगे। हमने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको आवेदन देने के लिए अभी सोच रखा है, हम आवेदन देंगे, हमको जो मांगना होगा हम लोग मांगेंगे। अच्छा, तत्काल उसकी सुनवाई होती है कि वो रखी ही रहती है? सुनवाई होती है। अच्छा, तो इसी तरह से चौक और चौराहों और लोगों की राय हम आप तक सुनाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ीफाई, कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।